सारे भाई ने राम राम। आज एक वीडियो भेजी है भाई ने वाणसी से, जिसकी नर्सरी है ग्राफ्टिंग की। तकरीबन सारे पौधे तैयार कराए ग्राफ्टिंग के, बहुत अच्छी नर्सरी है। दो साल पहले मैं गया भी, थोड़ा देखे भी थी यार। सुनील भाई कंडेला है जो उसकी ओर से पौधे भी मंगाए थे वेन यार के, और एक भाई ने और मंगाए थे हरमन ने मंगाए थे भाई। तो उसकी वीडियो गेड़ू हूँ मैं, वो वीडियो देखियो। जिस भाई ने भी चाहिए है ग्राफ्टिंग में पौधे तो यह वीडियो देखो, जिसकी पसंद आवे पौधे तो कांटेक्ट कर लो भाई तय। और ग्राफ्टिंग के पौधे ठीक रेट में भाई देवा है तो उस तक संपर्क करो। तो देखते हैं यह वीडियो। जय श्री नर्सरी, ग्राम पोस्ट बबिया, चोलापुर वाराणसी। यह अमरूद की नर्सरी है। यह अमरूद का उत्तम किस्म की वैरायटी तैयार की जाती है। किसी भी प्रकार का अमरूद का पौधा लेने से पहले किसान भाई नर्सरी में मदर प्लांट जरूर देखे। अगर जिस नर्सरी में मदर प्लांट नहीं है वहां से किसान भाइयों को पौधा नहीं लेना चाहिए। ये जैसी नर्सरी है। यहाँ पर आइए देखते हैं कि इनके पास अमरूद का मदर प्लांट है कि नहीं। ये नर्सरी है, पूरी नर्सरी। ये मदर प्लांट का बॉर्डर लगा हुआ है और ये किस्म ललित है। इधर ललित किस्म का पौधा लगा हुआ है। ये अलग अलग रोह में कई प्रकार के बोर्ड है जो कि अमरूद तैयार करने के काम में पौधा आता है। ये किस्म थाई अमरूद वीएनआर है। ये किस्म इलाहाबादी सफेदा, ये इलाहाबादी सफेदा है। और किस्म श्वेता, ये किस्म श्वेता का मदर प्लांट है। इसे किसान भाई देख सकते हैं। ये सारी जो है वैरायटी अलग अलग रोह में, अलग अलग खेत में या क्यारी में लगाई गई है। ये किस्म लखनऊ 49 का पौधा लगा हुआ है। ये अमरूद का बीजू पौधा रखा हुआ है। इसकी ग्राफ्टिंग अभी हो रही है। ये अमरूद का बीजू पौधा है। इसी के ऊपर जो है ग्राफ्टिंग की जाती है। ये ग्राफ्टिंग अभी हो रही है।
ये ग्राफ्टिंग L49 की हो रही है। ये पौधा ग्राफ्टिंग करके रखा हुआ पौधा है और इसके ऊपर पाली बैग का पन्नी जो है चढ़ा दिया जाता है जिससे कि नमी बनी रहे और पौधा में अच्छा फुटाव हो जाए। इस तरीके से वेज ग्राफ्ट पौधा तैयार हो रहा है। ये पौधा जो है पहले की बधाई इसमें हो चुकी है। अभी ये ताइवान पिंक का जो है पौधा लगा हुआ है। ये ताइवान पिंक अमरूद है और जितनी भी नई वैरायटी भारत सरकार द्वारा अप्रूव की जाती है वो सभी वैरायटी आपको जैसी नर्सरी में मिल जाएगी। जैसे इलाहाबादी सफेदा, धवल, ललित, सरदार वैरायटी के पौधे भी जैसी नर्सरी में मिल जाएंगे। जो बाहर की वैरायटियां है जैसे ताइवान पिंक और VNR, थाईलैंड व्हाइट, ये वैरायटी भी आपको जैसी नर्सरी में मिलेंगे। अमरूद की जो भी प्रजाति होती है वो सभी वैरायटी जैसी नर्सरी में शुद्ध रूप से तैयार किए जाते हैं। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि पौधे चाहे जहां से अमरूद के खरीदे लेकिन उसका मदर प्लांट देखने के बाद ही अमरूद का पौधा खरीदे। जिस नर्सरी के पास मदर प्लांट न हो वहां से अमरूद का पौधा न खरीदे, क्योंकि कुछ लोग बाहर से अमरूद का पौधा लाके अपने यहां रख के बेचते हैं। वो पौधा उनको भी नहीं पता होता है कि ये किस वैरायटी का पौधा है। ये देखिए, ये नेट हाउस बना हुआ है और नेट हाउस में पौधे की बधाई चल रही है। तो हर किस्म का पौधा यहाँ पर अमरूद का तैयार किया जाता है और शुद्ध रूप से किसानों के लिए यह नर्सरी विश्वसनीय नर्सरी है। तो यह वीडियो देखी सारे भाई ने, जिस भाई ने नर्सरी पर विजिट करना हो तो जाके भी देख सका भाई, तो संपर्क कर सका है। स्वस्थ पौधे देवा है भाई और बढ़िया पौधे देवा है, तो भाई और भी जाके देख सका है। मैं जाके आया था, तो वीडियो ने शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, घंटी वाला बटन जरूर दबा दियो। जारी आना भी। धन्यवाद भाई।